से तो बांध कर प्रभु ने शिव जी की स्थापन किया शिवलिंग की। से तो बांध कपि से नजिम सुमेर पर्वत गय बसी जय विधि अंगद जी शांति दूत बनाकर भेजे गए, रावण माना नहीं, वापस आ गए। निश्चर की सलराई बरनिस विविध कुंभकरण घन नाद कर बल कुंभकरण मेघनाद छठवें दिन के युद्ध में रावण से सब युद्धपति लड़े और सातवें दिन भगवान ने मातली के द्वारा लाए रथ पर आरूढ़ होकर रावण को गति प्रदान की है। बोलिए रामचंद्र भगवान की हो। प्रभु हमारे अलौकिक हैं, दिव्य हैं, परम तत्व चैतन्य हैं। निश्चरण कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समय बसाना रावण बध मनोर शोका रावण का संपादन करने के लिए अभिषेक कराया। अग्नि साक्षी करके परमात्मा ने मां का सब स्वरूप माया पर जल गया, अग्नि में सब स्वरूप प्राप्त किए। विभीषण जी महाराज भगवान से विश्राम की कामना करते इच्छा करते भगवान ने कहा मुझे भैया के आ रही है, भैया की याद आ रही है, मुझे विदा करिए यहाँ से। देवराज इंद्र ने अमृत वृष्टि पहले करा रखी है, सारे कपि लोग भगवान की सेवा में आकर उपस्थित होते हैं, चरणों में दंडवत करते हैं। भक्तराज विभीषण रथ पर बहुत सारी सामग्री लेकर आए सरकार की सेवा में। भगवान ने कहा नो नो मित्र, नहीं 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 नहीं, आप इनको ले जाकर घर में उड़ाइए, हमारे मित्र लोग पहन करके आवे देखे कैसे लगते हैं। सारे कभी लोग धारण करके वस्त्र आते हैं, भगवान तो पूछते हैं प्रभु हमको ये कपड़ा कैसा लगता है, ये अलंकरण कैसा लगता है। अरे बोले देवराज इंद्र इतने सुंदर ने उतने सुंदर आप लगते हो। भगवान प्रशंसा करते हैं, जो प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए, प्रशंसा करनी ही चाहिए, प्रशंसा थकान मिटा देती है। करने योग्य है तो प्रशंसित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। भगवान अयोध्या जाने की यात्रा बनाए, दस युद्धपति माँ लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी सुग्रीव जी भक्तराज विभीषण सबको लेकर पुष्पक यान में परमात्मा चले। चलत विमान परम सुखद परिचय मां से कराया है। रामेश्वर भगवान को प्रणाम करा, एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। प्रभु ने मां के साथ में जाकर के पूजन किया, प्रणाम किया, आशीष पाया मैया ने। तीर्थराज प्रयाग उतरने के पहले भगवान अयोध्या की परिक्रमा लगा लिए, दिन में कुछ घटती बढ़ती न हो जाए देख करके आए। त्रिवेणी मैया का पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी को भेज दिए श्रीधाम अयोध्या। भरत जी और गुरुदेव भगवान को खबर जनाने के लिए हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने भरत जी को संदेश दिया। बजरंगी लाए खबरिया राम जी आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया
के पास जाकर खबर जनाए, प्रभु सीता अनुज सहित प्रभु आवत। गुरुदेव भगवान ने कह दिया, आते हैं रघुनंदन प्रबोधि बहुत सुख दी उन निज भवन परमात्मा। कई कई मैं आपको बहुत बातें प्रदोष किए, निज भवन पधारे, भरत भैया को बुलाकर उनके जटा खोलकर भगवान ने उनको स्नान कराया, वस्त्र आभूषण से सजाया, मित्रों के लिए आज्ञा दे दिए, भैया लोगों को मित्रों को स्नान करा के वस्त्र आभूषण से सज्जित करिए। इधर मेरी माताएं मेरी मैया श्या महारानी को स्नान कराकर दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कराती। भगवान स्वयं गुरु आज्ञा लेकर जब स्नान करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर आए तो प्रभु बिलोक मुनि मन अनुराग तुरंत दिव्य रवि सम तेज सुबरनि न जाई बैठे राम बैठे राम जय सिरो